हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और यूजफुल ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, होता क्या है, ट्रैक्टर को लगभग 15 से 20 दिन कंटिन्यू खड़ा कर देते हो बिना मूव किए, मतलब बिना थोड़ा बहुत भी आगे पीछे आप नहीं करते हो, ट्रैक्टर को स्टार्ट ही नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में आपका जो क्लच प्लेट होता है वो चिपक जाता है। और क्लच प्लेट चिपक जाने की वजह से जब आप 15-20 दिन के बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करने के बाद क्लच को प्रेस करके आप गियर लगाने की कोशिश करते हो तो गियर लगता ही नहीं है, क्योंकि क्लच प्लेट ऑटोमेटिक चिपक जाता है। और पहले से आप गियर लगा के और क्लच को दबा के स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो भी ये काम नहीं करता है आपका जो क्लच है, और गाड़ी ऑटोमेटिक मूव होने लगता है। इस कंडीशन में आपका क्लच प्लेट जो चिपक गया होता है उसको आपको छुड़ाना होता है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और ये जेन्युइन और रियल ट्रिक्स है और कोई कठिन भी नहीं है इस चीज़ को करना। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रैक्टर को लोड गियर, यहाँ पे आपको ट्रैक्टर में मिल जाता है लोड गियर, इसको एंगेज कर लेनी है और इसमें आपको एक गियर लगानी है। देन आपको हैंड ब्रेक वगैरह रिलीज करनी है, हैंड ब्रेक लगा होना नहीं चाहिए। हैंड ब्रेक रिलीज करने के बाद आपको एक नंबर लो गियर में लगा के ट्रैक्टर को स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप 15-20 दिन स्टार्ट नहीं किए हो तो थोड़ा सा आपका जो स्टार्टर है ट्रैक्टर का वो लोड ज़रूर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपका बैटरी अच्छे से चार्ज है तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट करने के साथ ही ट्रैक्टर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि आपका क्लच तो काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट गियर में स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आपका गाड़ी आगे की तरफ मूव करने लगता है तो आपको सडनली जो ब्रेक होता है उसको राइट पैर से लगभग 2 से 3 बार झटके से ब्रेक लेनी है। जैसे इस टाइप से आप रोड में चलाते हो लोड गियर एक नंबर में तो गाड़ी धीरे ही चलती है, ऑब्वियसली रोड कोई सा भी हो, लेकिन आपको ब्रेक झटके से लेनी है। 2 से 3 बार झटके से आप ब्रेक लेते हो तो आपका क्लच प्लेट जो चिपका हुआ रहता है वो इजीली छोड़ देता है और आपका ट्रैक्टर फिर से अच्छे से काम करने लगता है। तो वही इसका जेन्युइन ट्रिक है दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी के लिए मैकेनिक के पास लेके जाते हो तो ऐसे ऐसे करके 1000-2000 रुपये आपसे लूट लेते हैं, तो ऐसे आपको लुटाना नहीं है। सिंपली आपको लोड गियर एक नंबर में लगा के ट्रैक्टर को स्टार्ट करनी है, क्लच दबाने का कोई मतलब ही नहीं है जब आप क्लच का आपका जो क्लच प्लेट है वो चिपक गया है। ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा और डायरेक्ट मूव करेगा। मैं पहले से आपको इंश्योर कर देता हूँ कि आपका ट्रैक्टर स्टार्ट होने के साथ ही मूव करेगा, बिकॉज आपका जो क्लच प्लेट है वो चिपक चुका है। तो स्टार्ट होने के बाद आपको झटके से 2-3 बार ब्रेक लेनी है, देन आपका क्लच प्लेट जो चिपका होगा वो छोड़ जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया है आपके ट्रैक्टर में। ऐसे मोस्टली जो नए ट्रैक्टर लेते हैं जिनको पता नहीं होता है वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और चिंता करते हैं कि ट्रैक्टर इतना जल्दी ख़राब कैसे हो गया। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ट्रिक अप्लाई करो, आपका ट्रैक्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही कुछ वीडियो था दोस्तों आज का। कैसा लगा वीडियो देख के कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा, आप समझ जाएं मैं जैसे भी बोला उस चीज़ को आप अप्लाई करके देखें, आपका ट्रैक्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया।